तो कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं फिर से आ गई हूँ MPL फैंटेसी टीम से। कैसे टीम बनाए जाते हैं? MPL फैंटेसी टुडे टीम, MPL फैंटेसी टुडे मैच, और MPL में फैंटेसी से कैसे हम खेले, MPL फैंटेसी से कैसे हम पैसे कमाएं, MPL फैंटेसी से कैसे हम अच्छा टीम बनाए, तो सारे यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स लेकर आई हूँ और सारा चीज़ मैं बताऊँगी यहाँ पे। आगे बहुत ही मज़ेदार होने वाली है ये, तो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा ध्यान लगा के सुनिएगा। MPL से MPL फैंटेसी टीम टुडे, MPL में फैंटेसी टीम कैसे बनाएं, और बाकी MPL पे टीम कैसे खेले, कैसे बनाए, MPL में IPL कैसे खेले, तो सारा मैं यहाँ डिटेल्स बताऊँगी कैसे खेले कैसे बनाए। तो ये एक ही में आएगा, आप यहाँ से जो टीम बनाऊँगी मैं आपके लिए हेल्प करूँगी, डेमो टीम, बस उसी टीम से आप अच्छे से खेल सकते हो और अच्छे से मतलब देख सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है बेंगलोर और कोलकाता के बीच गेम होने वाली है, 20 आवर्स और 35 मिनट बाकी है इस गेम को होने के लिए। तो चलिए फिर देर नहीं करते हुए इसको हम क्लिक करते हैं। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी तो यहाँ दूसरा पेज खुल के नज़र आ जाएंगे। यहाँ लिखा रहेगा ऐड टीम, जस्ट नीचे में ऐड टीम लिखा रहेगा, तो बस ऐड टीम को ही क्लिक करनी है। जैसे मैं ऐड टीम को क्लिक कर ली तो यहाँ पे देखिए दूसरा पेज खुल के नज़र आए। यहाँ पे आपको लोगो देखने मिलेगा, क्रेडिट लेफ्ट 100 की, बेंगलोर का लोगो देखने मिलेगा, कोलकाता का लोगो देखने मिलेगा। नीचे में विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर भी दिए गए हैं 100 के अंदर ही। हमें इन चारों का टीम बनाना है, 11 टीम बना के तैयार करनी है। अगर दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे, और चैनल पर न्यू हो तो बेल आइकन के साथ प्रेस करें ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो फटाफट आप जल्दी से पेन उठाएं और लाइक का बटन, बेल बटन के साथ में लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये गेम होने वाली है कल यानी ट्यूसडे 30 तारीख को ये गेम होगी, और ये गेम होगी 7:30 PM को, यानी कि शाम को होगी, और ये खेली जाएगी डे पाटिल स्टेडियम मुंबई में है, यहाँ पे खेली जाएगी। पिच रिपोर्ट की बात किया जाए तो बहुत ही शानदार पिच है, बहुत ही अच्छे पिच बनाई है जिससे बॉलिंग वगैरह सब अच्छे हों। और वेदर रिपोर्ट की बात किया जाए तो बहुत ही शानदार वेदर है, कुछ भी मतलब ये नहीं है, साफ मौसम है और बारिश होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। अब हिट टू हिट की बात किया जाए दोनों के बीच में, तो 30 बार्स ये दोनों एक दूसरे के साथ भिड़े हैं, जिसमें बेंगलोर 13 बार विनर हुए हैं और कोलकाता 17 बार। तो यहाँ पे 70 बार यहाँ पे कोलकाता ज़्यादा मजबूत टीम नज़र आ रहे हैं बेंगलोर के थ्रू, क्योंकि बेंगलोर ने 13 बार ही इसमें विजय हुए हैं, और कोलकाता जो है 17 बार जीते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कोलकाता बहुत ही मजबूत टीम नज़र आ रही है, इसका पलड़ा भारी है। तो कुछ भी हो सकता है गेम में, हार जीत तो होती रहेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा कल हम देखेंगे लाइव कास्ट स्टार स्पोर्ट्स एंड डिज्नी प्लस में, ये लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे इस गेम का, तो आप ज़रूर वहाँ पर बने रहना, वहाँ देखना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विकेट कीपर, बैट्समैन और ऑलराउंडर और बॉलर बनाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं विकेट कीपर का यहाँ पे सारा खिलाड़ी यहाँ पे हैं, बस इसको देख के हमें चूज़ करनी है। तो यहाँ पे विकेट कीपर मैं लूँगी दिनेश कार्तिक को, और दूसरा मैं लूँगी, सॉरी मैं यहाँ पर चेंज कर मतलब करती हूँ, यहाँ पर मैं लूँगी अनुज रावत को लेती हूँ, और अब मैं यहाँ पे एक ही लूँगी
अब आगे बढ़ते हैं बैट्समैन की ओर। तो बैट्समैन, जैसे ही मैं बैट्समैन की ओर आई तो यहाँ पे भी स्क्रॉल करेंगे तो पूरा खिलाड़ी के नाम आपको नज़र आएंगे। तो मैं यहाँ पे विराट कोहली को लूँगी बैट्समैन के रूप में, और फिर यहाँ पे लूँगी फड्डो फ्लेसिस को लेती हूँ, फिर इसको स्क्रॉल करती हूँ। स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे अरुण फिंच लिखा है, इसको मैं स्किप करती हूँ। आगे और बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं लूँगी अजिंक्य रहाणे को लेती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं ऑलराउंडर की तरफ। तो जैसे मैं ऑलराउंडर की तरफ आई तो यहाँ भी स्क्रॉल करिए, यहाँ भी सारे खिलाड़ी के नाम हैं। तो चलिए फिर ऑलराउंडर बनाते हैं। तो ऑलराउंडर में यहाँ पे लूँगी आंद्रे रसूल को लेती हूँ, और दूसरा मैं लूँगी सुनील नारायण को, और तीसरा मैं लूँगी वेंकटेश लेयर को। तो मेरा टीम बन के तैयार है। अब मैं आगे बढ़ती हूँ बॉलर की तरफ। तो बॉलर की तरफ मैं यहाँ पे लूँगी, ये भी स्क्रॉल कीजिए, सारे नाम आपको देखने मिलेंगे। तो मोहम्मद सिराज को मैं लेती हूँ बॉलर के रूप में, फिर मैं लूँगी वरुण चक्रवार को लूँगी, और फिर तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। उमेश यादव को लेती हूँ मैं, एक और एक लेना है, तो इसको स्क्रॉल करते हुए देखिए कौन सा टीम अच्छा रहेगा आपके लिए, कौन सा खिलाड़ी आपके अच्छा रहेगा। आप ध्यान लगा के बनाना, कोई हड़बड़ी नहीं है, अच्छे से ध्यान लगा के बनाना कि कौन हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लूँगी हर्षर पटेल को। तो चलिए फिर बन गया रेडी, यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट करती हूँ तो दूसरा पेज खुल कर आ जाएगा, यहाँ पे कैप्टन और वाइस कैप्टन का पेज खुल कर नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर पॉइंट बढ़ानी है, अच्छा प्रदर्शन, अच्छा मतलब कम वाइस कैप्टन और कैप्टन को चूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे कैप्टन के रूप में, अगर कैप्टन अगर अच्छा पसंद अच्छा लेते हो तो दोगुना पॉइंट मिलेंगे, वाइस कैप्टन अगर अच्छा लेते हो तो डेढ़ गुना पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं कैप्टन को लूँगी फड्डू फ्लेसिस को लेती हूँ कैप्टन के रूप में, और वाइस कैप्टन में लूँगी विराट कोहली को। तो मेरा टीम बन के रेडी है, मैं सेव कर देती हूँ। नीचे जस्ट लिखा होगा सेव टीम, और उसके जस्ट बगल में लिखा है एडिट टीम्स, तो एडिट टीम को भी क्लिक कर दिए, और यहाँ पे देखिए एक पेज खुल के नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ही जो टीम वन लिखा है इसको मैं क्लिक करूँगी। जैसे मैं टीम वन को क्लिक कर दी तो यहाँ पे सारे खिलाड़ी के नाम आ गए हैं जो मैंने चूज़ किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर और जानकारी चाहिए तो मेरे कम्युनिटी बेस में जाके चेक कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।